हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की रामसर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और हम कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ कर रहे हैं रामसर साइट्स के ऊपर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। तो आपको मिलेगा कि दो साइट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिलेगी आपको ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स और दूसरी मिलेगी आपको सुंदरवंस। ओके, तो सुंदरवंस रिसेंटली ऐड किए गए हैं 2019 के अंदर और ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स आपके 2002 से चल रहे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ताकि पीटी का कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चलते हैं ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स के अंदर। हर एक सिलाइट के ऊपर साइड में इमेजेस दी गई हैं, डोंट फॉरगेट देम। ओके, तो ये आप देखिए कि ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स नाम से ही स्पष्ट है कि कलकत्ता, उसके ईस्ट में आपका ये वेटलैंड यहाँ पर पड़ेगा। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बताऊँगा। 2002 के अंदर ये बनाया गया था। इसकी लोकेशन देखिए आपको, इसको मिलेगा आपको सदर्न वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद आप देखें तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स आर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। कहने का मतलब यह है कि ये नेचुरल भी हैं प्लस आर्टिफिशियल भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इज़ अ नेचुरल और इज़ अ ह्यूमन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों है, आर्टिफिशियल भी है, ह्यूमन मेड भी है और नेचुरल भी है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, ईस्ट ऑफ द कोलकाता सिटी आपको यहाँ पर मिलेगा वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर। और राइट, पूरे इंडिया के अंदर लोकेशन ये रही। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो वेटलैंड के अंदर क्या क्या आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। मार्शेज यहाँ पर आते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स यहाँ पर आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीवेज फार्म्स यहाँ पर आते हैं, सेटलिंग पॉन्ड्स यहाँ पर आते हैं। आप ये वाली इमेज देखिए, ये एक्चुअल इमेज, ठीक है, इस चीज़ को देखिए। ये आपके पॉन्ड्स यहाँ पर हो गए, या सीवेज प्लांट्स यहाँ पर हो गए, एग्रीकल्चर फील्ड्स भी यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। रोड्स भी यहाँ से जा रही हैं और रिवर्स भी यहाँ से जा रही हैं। पिसीकल्चर के लिए अलग चीज़ मिल जाएंगी, फिश फार्मिंग के लिए अलग चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, और साथ ही आप मतलब यहाँ पर देखिए, ओवरऑल एक जो है मल्टी 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 यहाँ पर हम कह सकते हैं मल्टी फैसिलिटी आपका वेटलैंड यहाँ पर तैयार किया गया है। द वेटलैंड फॉर्म्स एन अर्बन फैसिलिटी, याद रखिएगा, अर्बन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, साथ ही आपको ट्रीटेड मतलब वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और उस ट्रीटेड वाटर का यूज़ किया जाता है बाद में पिसीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। बात समझ में आई? तो ये एक पूरे तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके की प्रणाली यहाँ पर दिखेगी थ्रू एन रिकवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन एन इफिशियंट मैनर। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है जो कुछ मैंने इस स्लाइड के अंदर से आपको बताया। ये देखिए, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स इज द वर्ल्ड्स ओनली फुली फंक्शनल ऑर्गेनिक सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, पीटी का पॉइंट है, याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वेटलैंड है ये मैनेज किया जाता है बाय द फार्मर्स और द फिशर फोक्स के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। और ये एक यूनिक वेटलैंड है क्योंकि ये सिटी का जो जितना भी सीवेज है उसको यहाँ पर रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको ऑर्गेनिकली ट्रीट करता है। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम ये यहाँ पर इसलिए कहा जाता है। ओके, उसके बाद सनशाइन के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए या फिर माइक्रोबियल एक्शन के जरिए आपके वाटर को ट्रीट करता है, सीवेज को ट्रीट करता है और उसको टर्न कर देता है इनटू द प्रोडक्टिव फिशिंग हैबिटेट। ठीक है, तो फिश के लिए जो फूड है उस चीज़ में ये इससे को कन्वर्ट कर देता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा वेटलैंड का इंपॉर्टेंस। ओके, आपसे ये लाइन दे देगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेटलैंड इस चीज़ को दर्शाता है, तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स आपको यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाता है। ओके, दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगी ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर बताई, ऑर्गेनिक सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, इस को आपका टर्म के रूप में कह देते हैं बायो रेमिडिएशन। ऑलराइट, बायो रेमिडिएशन द वाटरवेज क्लीन द सिटीज वेस्ट वाटर इन लेस देन 20 डेज। तो 20 डेज के से कम समय में यहाँ पर आपका जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर दिया जाता है, इसको प्योरीफाई किया जाता है इनटू द न्यूट्रिएंट रिच वाटर में, फिर जिसको चैनलाइज कर दिया जाता है टू द पॉन्ड्स। इन पॉन्ड्स को लोकल भाषा में कहा जाता है भेरीज। ठीक है, तो ये सब पीटी के पॉइंट हैं, इनको भाई याद रखना, जिसके ऊपर इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हुए एल्गीज और फिश आपकी यहाँ पर ज़िंदा रहती हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए। ओके, उसके बाद मिलेगा इसका जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है आपका ध्रुभा ज्योति घोष जी के नाम पर। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं तो रखिएगा। और साथ ही ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2006 भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके कारण ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी को पावर मिलती है कि वो इसके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए पूरी तरीके से वर्क करेगी। तो हर एक वेटलैंड के लिए इस तरीके की अथॉरिटी होनी चाहिए उस वेटलैंड को यहाँ पर बनाए रखने के लिए, ताकि वो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में ना ऐड हो जाए। ठीक है, उसकी कंडीशंस अच्छी रहनी चाहिए। ओके, ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए कि क्या क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे, तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे, फिशरीज़ है यहाँ पर, बहुत सारे फैमिलीज़ को लाइवलीहुड मिलता है, क्लाइमेट रेगुलेशन होता है, CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन वाली सिचुएशन,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, ट्रीट्स कोलकाता सिटी सीवेज, ठीक है। तो सीवेज आपका वहाँ पर पूरी तरीके से ये ट्रीट करता है उसको, ठीक। उसके बाद टूरिज्म तो आ ही जाता है, फिर रिक्रिएशनल टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी आ जाती है। कुछ थ्रेट्स भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? फार्मर्स के द्वारा, फिशर फॉक्स के द्वारा। उनको पता होता है कि अगर तालाब ख़राब हो गया तो हमारा फिशिंग का या फार्मिंग का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम उसको सही रखेंगे। तो इसीलिए आपकी ये चीज़ें यहाँ पर सही देखने के लिए मिलती हैं। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ये हर जगह पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ओके। उसके बाद दूसरे पर आ जाते हैं जो कि सुंदरबन। ये आपका बनाया गया था 30 जनवरी 2019 को, ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा। और लोकेशन देखिए, लोकेशन देखिए, ये ऊपर वाली ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की और नीचे वाली आपको लोकेशन मिलेगी सुंदरबन की। तो आपसे पूछ सकता है, ऊपर से नीचे आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर आपका मैंग्रोव एरिया है और कन्फ्लुएंस पर पड़ता है टू द गंगा, ब्रह्मपुत्र और द मेघना रिवर्स, ओके। और बे ऑफ बंगाल, ये इतना तो आपको कम से कम पता ही होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कन्फ्लुएंस पर यहाँ पर पड़ता है, ओके। इसके बाद देखेंगे आप सुंदरबन इलाके के अंदर, जो पूरा इलाका सुंदरबन का यहाँ पर है, इसके अंदर आपके 4 प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला हुआ है। पहला सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन वेस्ट, सुंदरबन साउथ एंड सुंदरबन ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके। तो ये 4 एरिया यहाँ पर हो जाते हैं, इन चारों को यूनेस्को आर एनलिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन, ओके। तो इसको याद रखिएगा, इसके 4 प्रोटेक्टेड एरियाज इसके अंदर कवर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि सुंदरबन वेटलैंड्स सारी रामसर साइट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका एरिया यहाँ पर देखिए आप, 4230 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर मिलेगा। ऊपर से नीचे आपको एरिया वाइज लगाने के लिए पूछ सकता है, तो याद रखिए वेमनाथ कोल आ जाता है, चिल्का आ जाता है, कोलेरू आ जाता है, और उसके बाद भीतरकनिका आ सकता है। इन सब के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, रामसर की सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसको देखिए। चिल्का लेक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1165 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद मिलेगा इंडियन जो आपका सुंदरबन इलाका है, देखिए सुंदरबन का कुछ इलाका आपका बांग्लादेश में चला जाता है और कुछ इलाका इंडिया में रह जाता है। तो इंडिया वाला जो सुंदरबन का इलाका है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है, और वहाँ पर आपको मिलेगा कि रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वहाँ पर, ओके। 27th रामसर साइट इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, अभी तो बहुत बढ़ गई हैं साइट्स, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कि लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड के मिल जाएंगे सुंदरबन के अंदर, सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद आपको मिलेगा कंट्री के अंदर जितना भी मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया है उसका 60% एरिया यहाँ पर पाया जाता है, ओके, आपका सुंदरबन में, ओके। उसके बाद इंडिया में जितनी भी मैनग्रोव की स्पीसीज़ हैं उसकी 90% आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, ओके। इस चीज़ को भी आपको याद रखना, इंक्लूड्स 90% ऑफ इंडियाज मैनग्रोव स्पीसीज भी यहाँ पर मिल जाएगी, ओके। द सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड विद इन द साइट एंड पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन डिक्लेयर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इसका एक पार्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है अंडर द नेशनल लॉज, एंड ऑल्सो ए टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है ऑफ द ग्लोबल इंपॉर्टेंस। तो ये पॉइंट भी आप पर याद रखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। पहला CO2 यानी कि ब्लू कार्बन सिंक यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आने से यहाँ पर रोकता है, उनका जो इम्पैक्ट है उसको कम करता है, साथ ही शोरलाइन प्रोटेक्शन का वर्क भी करता है। इसी के कारण आपके ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, ये टाइडल एनर्जी है, उसकी रफ्तार यहाँ पर कम हो जाती है, ओके। उसके बाद साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो रही है वो रही है हाई टूरिज़म प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और साथ ही कोस्टल इरोजन की सिचुएशन भी देखने के लिए मिल रही है, ओके। स्पीसीज़ की रिचनेस यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। ये कुछ स्पीसीज़ हैं, याद रखनी है, जोन जोन सी भी मैं बता रहा हूँ, रॉयल बंगाल टाइगर, यस याद रखना है, गंगा सार्क याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन भी याद रखना है, और स्पून बिल सैंड पाइपर भी याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है इरावडी डॉल्फिन, ग्रेटर एडजुटेंट और लेसर एडजुटेंट, ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आपको मिलेगा एस्चुराइन क्रोकोडाइल आपको याद रखना है, साथ ही आपको स्मूथ कोटेड ऑटर याद रखना है, और ओलिव रिडली टर्टल भी याद रखना है, ओके। ये सारी स्पीसीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सुंदरबन के अंदर पाई जाती हैं, राइट। ये वीडियो का एंड है, इतना ही जानना था इस वीडियो के अंदर से। और ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्बन मैनेजमेंट को दिखाता है ये, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें आपके काम की हो जाती हैं, और
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ये सब चीज़ें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।